देख रहे हैं द फुलझड़ी और मैं श्रुति। अभिनेता शाहिद कपूर पंकज कपूर के बेटे हैं। शाहिद का जन्म 25 फरवरी सन 1981 को दिल्ली में हुआ था। शाहिद का गृहनगर मुंबई है। शाहिद की माँ और दादाजी भी फिल्मों से जुड़े हुए थे। शाहिद कपूर के माता पिता ने शाहिद के पैदा होने के 3 साल बाद ही तलाक ले लिया। शाहिद ने मीरा राजपूत से शादी की। हालांकि मीरा से पहले करीना और प्रियंका चोपड़ा भी शाहिद की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। आपको बताते चलें कि बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और उनकी पत्नी मीरा राजपूत कपूर के बीच भले ही उम्र का अंतर हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। शाहिद और मीरा की शादी को अब 5 साल से ज्यादा का समय हो रहा है। आपको बताते चलें कि अक्सर कपल को सोशल मीडिया पर एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार करते हुए देखा गया है। हाल ही में एक चैट शो में शाहिद कपूर ने अपनी पत्नी मीरा राजपूत से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बात की। तो आइए आपको बताते हैं इस बारे में। क्या है वो पहली बात जो शाहिद ने मीरा से पूछी थी? जी हाँ, आपको बता दें कि शाहिद कपूर ने अपनी पत्नी मीरा राजपूत से जो पहली बात पूछी थी वो ये थी कि आप किसी ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों करना चाहती हैं जो आपसे उम्र में इतना बड़ा है। इस पर मीरा ने जो जवाब दिया था वो बड़ा ही मजेदार था। शाहिद ने कहा था कि मीरा ने सवाल का जवाब उल्टा उनसे सवाल करते हुए दिया था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से शादी क्यों करना चाहते हैं जो उम्र में उनसे छोटा है। आपको बताते चलें कि एक इंस्टाग्राम स्टोरी में एक बार मीरा ने खुलासा किया था कि उन्होंने पहली बार शाहिद कपूर को तब देखा था जब वो 16 साल की थी। जैसा कि सभी जानते हैं कि दोनों के परिवार राधा स्वामी सत्संग ब्यास के साथ जुड़े हुए हैं और वो अपने माता पिता के साथ यहाँ जाया करती थी। इसके बाद साल 2014 में पहली बार दोनों परिवार शादी पक्की करने की सोच के साथ मिले थे। और आइए अब जानते हैं कैसे हुई थी कपल की शादी। आपको बताते चलें कि मीरा राजपूत और शाहिद कपूर में 13 साल का अंतर है, लेकिन दोनों की बॉन्डिंग देखने के बाद आप भी यही कहेंगे कि दोनों के बीच उम्र का ये फासला बस कहने भर का है। मीरा और शाहिद की शादी साल 2015 में हुई थी और दोनों ने अरेंज मैरिज की थी। मीरा और शाहिद की शादी गुरुग्राम में एक प्राइवेट सेरेमनी में कुछ करीबियों की मौजूदगी में हुई थी। दोनों के दो प्यारे से बच्चे भी हैं जिनका नाम मीशा कपूर और जैन कपूर है। आपको बताते चलें कि हाल ही में मीरा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक डिश की फोटो शेयर करते हुए बताया था कि कैसे वो सिंधी से एक पंजाबी में बदल गई। उन्होंने यहाँ बताया था कि कैसे उनकी भोजन की चॉइस बदल गई है। मीरा ने यहाँ सेलर ब्रांड की कहानी सुनाई थी और ये भी बताया था कि कैसे सिंधी खाने में समय के साथ पंजाबी तड़का लगा है। आपको ये भी बताते चले कि मीरा राजपूत ने लिखा था कि मैं सिंधी के रूप में मेरी सेल ब्रेड की तरह हूँ। ये मेरी माँ के पसंदीदा बचपन के सिंधी नाश्ते का वर्जन है। टमाटर और प्याज के साथ इस पे पंजाबी तड़का लगा हुआ है। मेरे मायके का खाना टमाटर के बिना कुछ भी नहीं है। क्या आपके पास बचपन की कोई फैमिली रेसिपी है? #alwaysfoodie। और आइए अब जानते हैं कि किस नाम से मीरा राजपूत ने सेव किया है एक्टर शाहिद कपूर का नंबर। आपको बताते चले कि बीते दिनों मीरा ने शाहिद कपूर और बच्चों के बीच बातचीत का एक स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस स्क्रीनशॉट में साफ दिख रहा है कि उन्होंने शाहिद कपूर का नंबर टॉमी नाम से सेव किया हुआ है। आपको बताते चले कि मीरा ने इस फोटो के साथ कैप्शन में लिखा था कि फोन किसी और के कब्जे में है। क्या आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन? एक बात कह सकते हैं कि हम बैलेंस डाइट पर भरोसा कर सकते हैं। फोटो में बच्चों ने अपने पापा को फ्रूट और सब्जी वाली इमोजी भेजी थी। तो कुछ ऐसा रिश्ता है मीरा और शाहिद का। और साथ ही साथ आप शाहिद कपूर की बर्थडे विशेस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो फिर देर किस बात की, जल्दी कीजिए और मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।